आए दिन बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और हमीरपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पठानिया ने कहा कि ब्यूरोक्रेट और अधिकारी भी मात्र औपचारिकताएं कर रहे हैं जिससे प्रदेश की स्थिति खराब हो रही है। पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि सरकार को ना तो जनता और ना ही लोगों की चिंता है और केवल जुमलों की चिंता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने केवल लोगों को सब्ज बाग ही दिखाए जा रहे हैं और वास्तव में कोई भी काम नहीं हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई चरम पर है लेकिन मोदी के नेता अपनी ही धुन में मस्त हैं। पिछले 4 साल में केंद्र सरकार ने महंगाई, बलात्कार, भ्रष्टाचार और ये चीजें जो है वो देश में बहुत तेजी से दी हैं। जहाँ गैस के मूल्य बढ़े हुए हैं, महंगाई सब करके बोल रही है, रफेल पे 3 गुना भीड़ की गई है, इस तरह के जो इन्होंने लोगों को दिए उसका ये आने वाले चुनावों में जनता इनसे साथ मांगेगी। जो जयराम सरकार ठाकर की सरकार बनी है हिमाचल में भाजपा की, ये इसी मुद्दे पे एक गुड़िया कांड के नाम से इन्होंने इतनी तरह जोरदार उसका प्रचार किया और जब आज सीबीआई ने उसकी इंक्वायरी भी की तब भी एक चिरानी पकड़ा गया था। और आज इनके कार्यकाल में कोई ऐसा दिन नहीं है कि हिमाचल प्रदेश शांत प्रदेश है, भगवान से डरने वाले लोग हैं, आए दिन कहीं ना कहीं रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो उसके नाकाम से जो रही है और बिल्कुल जो हमारी जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी इसके ऊपर कुछ सिर सी संज्ञान नहीं ले रहे हैं और इस समाज में एक ऐसा तेजी से गुनाह बढ़ रहा है, इसके ऊपर सरकार को जल्दी से जल्दी एक्शन करना चाहिए, नहीं तो प्रदेश की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ये काम है कि मोदी का गुणगान करना चाहे पूरे 130 करोड़ आदमी मर जाए, इनको उनकी कोई चिंता नहीं है, ना इनको गिनियों की चिंता है, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इसको भ्रष्टाचार की चिंता है, सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर जुमले बोलना और जुमला के ऊपर जुमला जोड़ना और जुमले के आगे और जुमला जोड़ना ताकि पिछली बात को लोग भूल जाएं और अगली बात के लेकर चर्चा शुरू कर दें। बड़ी हैरानी की बात है कि इतना बड़ा रफेल घोटाला हुआ है, इतनी बड़ी कीमत दे के आए हैं और सीक्रेसी के नाम से उसको दबा रहे हैं। अरे दबाने की क्या जरूरत है, आप कह दो कि हमने 540 करोड़ का या 520 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में खरीदा है इसलिए इसकी कीमत बढ़ी है, हमें नहीं बताना है। तो हमारे देश में जो जेपीएस गठन कर सकते हैं, अगर हमारे देश के जो पार्टियां हैं बड़ी पार्टी नेशनल लेवल के वाले उनके अध्यक्षों की मीटिंग बुला के उनको तो बता दो बंद कमरे में कि क्यों कीमत बढ़ी, कि अगर इस पेट्रोल की कीमतों के ऊपर भाजपा वाले अपने ही बयान सुन लें दोबारा तो शायद उनको भी अपने आप शर्म आएगी कि हम क्या बोलते थे और अब क्या हो रहा है। हमारे टाइम में 130 डॉलर बैरल थी, तब भी हमने 70-71 रुपए तक पेट्रोल डीजल बेचा जाके, अब 70 रुपए बैरल है और 90 और 80 और 83 रुपए पेट्रोल हो रहा है, तो इससे तो इनकी बिल्कुल इनको सरकार इनको फेल होने की इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर मैं इनके अपने ही उन बेचारों को या जो उस वक्त भाषण देते थे कांग्रेस के खिलाफ, सरदार मनमोहन सिंह जी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ, तो आज उन्हीं को अगर ये दोबारा सुन लें तो इनको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि हम क्या बोलते थे और हम कर क्या रहे हैं।